ये तो बड़ी वैगनार लगती है मुझे, इसको मत चलाना चंडीगढ़ में, का कंफर्ट नहीं है हमारी गाड़ी, रुतबा है बस एक गाड़ी का अपना रुतबा। हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आप देख रहे हैं दो दो माफिया कार्स अपने स्क्रीन पर, एक है हमारी स्कॉर्पियो क्लासिक और एक है स्कॉर्पियो एन। आज की इस वीडियो के अंदर ना हम दोनों ओनर्स लड़ने वाले और डिसाइड करने वाले हैं कि कौन सी कार इन दोनों में से ज्यादा बेहतर है। ये मेरी स्कॉर्पियो एन Z6 डीजल मैनुअल, जैसे कि आपको पता ही है, और ये अभिषेक भाई है, इनकी है ये स्कॉर्पियो क्लासिक S11 टॉप मॉडल। ये टॉप में आती है, ये मिडल वेरिएंट आती है। प्राइस इन दोनों का ना लगभग सेम सही है। इसका भी करंटली एक शोरूम प्राइस चल रहा है 16.05 लाख रुपीज एक शोरूम, और उसका चल रहा है 16.81 लाख रुपीज। तो क्लासिक ना यहाँ पे अराउंड आप लगा लो 75,000 रुपीज महंगी है इसके कंपैरिजन में। तो आज भाई चलो लड़ते हैं थोड़ा सा। आपने वो गाड़ी क्यों ली पहले ये बताओ। सबसे पहले गाड़ी लेने का रीजन माफिया लुक सबसे अलग, तो वो तो इसका भी है। ये तो बड़ी वैगनार लगती है मुझे, ये तो बिल्कुल बेकार गाड़ी है मुझे ऐसे लगता है यार। बस फीचर्स लोडेड है ठीक है, और इंजन वेरिएंट भी है इसका काफी है। 4x4 है तो मेन होता है, ये 4x4 है, 4x2 है, 4x2 है, अच्छा हां 4x2 है। पर ये है ना जो इसमें ना माफिया लुक इसमें मुझे दिखती नहीं थी, मैंने इसके इसको भी मैंने ट्राई लिया था, तब मुझे इसका मजा नहीं आया था देख के भी। बट यार 174 पीएस की पावर मिल रही है, उसमें 130 मिल रही है, पर चलानी तब भी सिटी राइड में है। 4x4 होती तब मैं मानता कि हाँ चलो अच्छी बात है, आप लेके जा रहे हो, ऑफ रोडिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर फिर भी मतलब पावर ज्यादा है, प्राइस कम है, कंफर्ट ज्यादा है, सारा कुछ ही बेटर है। पर मुझे इसकी लुक सबसे बड़ी, मैं कहता रहा हूँ बड़ी वैगनार जिसे कहते हैं ना, जैसे बड़ी वैगनार कर दिया और इसमें कुछ है ही नहीं खास ऐसा, मुझे नहीं, मुझे मैं स्कॉर्पियो क्लासिक में अपना सेटिस्फाइड हूँ बिल्कुल। भाई यार आप लोग बताओ एक बार ये बड़ी वैगनार लग रही है यार कहीं से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आपकी वाली जैसे क्लासिक है, कंफर्ट के लिए गाड़ी बहुत ज्यादा बदनाम है, आपको भी पता है इस चीज, पर ये है ना कि अब चेंज हो चुका है काफी ज्यादा कंफर्ट के मामले में, बट ये है कि अंदर एक्सेसरीज वगैरह कुछ नहीं, सिंपल है अंदर एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन में काफी ज्यादा एक्सेसरीज है और काफी ज्यादा अच्छी लगती है, और एक लगती है कि गाड़ी कुछ है, तो वही तो चीज कह रहा हूँ ली कि वो सबसे बड़ा वेटिंग पीरियड। अच्छा चलो भाई का मेन निकल गया, मेन वेटिंग पीरियड करके मैंने गाड़ी नहीं ली, प्रेफर करी, क्योंकि 1.5 साल कौन वेट करेगा एक गाड़ी के लिए, 1.5 साल की वेटिंग। मेरे को भी मतलब अराउंड 11 मंथ्स लग गए थे इस कार को लेने के लिए। बाकी चलो भाई एक चीज बताओ, आज आपको दोनों गाड़ियां सेम डेट सेम प्राइस पे मिल रही हो, कौन सी उठाओगे? सेम डेट फिर तो मैं स्कॉर्पियो नहीं उठाता, ये देखो एक सेकंड में बदल गए। बाकी ना भाई ने ये मैट पूरी करा रखी है, ये आपने पीपीएफ पूरी करा है, पीपीएफ मैट है ये, सबको लगता है ये रैप है पर रैप नहीं है, ये पीपीएफ मैट हुई हुई है। इसको चंडीगढ़ में चलान नहीं होता? नहीं चंडीगढ़ में चलान नहीं है क्योंकि पीपीएफ मैट का चलान नहीं है। अच्छा हाँ, तो ये देखो ये नॉर्मल ऐसे ग्लॉस में आती है और ये पीपीएफ में है, तो ये एक डिफरेंस वगैरह आ जाता है इसमें ठीक है। और वैसे मतलब चंडीगढ़ जैसे इसका चलान आप कह रहे हो कि नहीं है? नहीं है, नहीं है चंडीगढ़ में अभी तक तो मुझे। और किसी ने आपने करा रखा है, ऑन करना एक बार इसको, इसका चलान जरूर है। ये देखो इसका क्या, इसका जरूर चलाना है, इसको मत चलाना चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ साथ गाड़ी साथ ले जाएंगे, साथ ही ले जाएंगे। बस ये है कि सिंपल व्हाइट इसमें है, व्हाइट कर सकते हो आप ऑन ना, इसमें व्हाइट वाला है ऑप्शन, व्हाइट हो जाती है गाड़ी। बाकी यार आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना फ्रंट लुक्स किसके आपको ज्यादा बढ़िया लगते हैं। अपने एक बार पीछे चलते हैं कार के और देखते हैं पीछे से कौन सी ज्यादा बढ़िया ओवरऑल लगती है। देखो अब हम आ चुके हैं पीछे, आप लोग एक बार डिसाइड करो कि कौन सी कार यहाँ पे ज्यादा बढ़िया लग रही है, सही सही बताना जो है मन में। देखो अपनी चीज अपनी वो लगती होती है, बट वही है ओवरऑल कौन सी अच्छी लग रही है आप लोग? मुझे अपनी मैट में अच्छी लगती है, अगर यही गाड़ी मैट में होती मुझे तब भी ये पीछे से अच्छी लगती। अब वही चीज मैं सेम ये कहने लगा था कि मैट में होकर वो ज्यादा मेरे को बेटर लग रही है, बट वैसे अगर नॉर्मल देखो दोनों तो नॉर्मल में इतना ज्यादा खास क्लासिक लगती नहीं है। देखो अच्छी तो मेरे को ये भी इतनी कोई खास पीछे से नहीं लगती, पीछे से थोड़ी सी लुक वैसी सी इन्होंने निकाल दिया। वही मैं तभी वैगनार का नाम क्यों ले रहा था, क्योंकि ये पीछे से ना वॉल्वो नहीं है, ये वैगनार लगती है मुझे, क्योंकि वैगनार की शेप भी सेम ऐसी है। देखो वैगनार में एलईडी नहीं है, वॉल्वो में एलईडी है, वॉल्वो है ये, पर हम वॉल्वो से कंपेयर नहीं कर सकते इस गाड़ी को। अच्छा आपने भी एलईडी ऊपर तक करवा ली? हाँ ऊपर तक करवाई है मैंने। अच्छा ये नॉर्मल इसमें ये ग्रिलिंग ही आती है, लाइट्स नहीं होती, ये आफ्टर मार्केट मैंने इंस्टॉल कराई हुई है एलईडी वगैरह, अलॉयज वगैरह भी आपने, अलॉयज वगैरह भी, और ये ब्लैक फिल्मिंग कराई हुई है लाइट्स में भी। ये सब मैंने कुछ भी नहीं करवाया, अभी टाइम ही नहीं मिला सही बताऊं तो, अभी इतनी कराने का, ये भी कराएंगे जल्दी अपनी कार के ऊपर, तो उन सभी मॉडिफिकेशन वगैरह देख लेंगे, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी तो ना यार एक
कंपैरिजन आपके यहाँ पर इन दोनों गाड़ियों का दे देता हूँ। 75,000 रुपीज़ क्लासिक यहाँ पर महंगी है और काफ़ी सारी लोडिंग्स भी इसके ऊपर और हो चुकी है, मतलब ऑन रोड ना ये 21 को क्रॉस कर चुकी है अपनी वाली अभी फिलहाल ऑन रोड। एक्सेसरीज जितने भी लगवाई हैं वो करके 17 लाख रुपीज़ के आसपास की अभी है, तो ये 4 लाख रुपये वैसे महंगी है एक्सेसरीज वगैरह की वजह से एंड ओवरऑल वैसे थोड़ा बहुत प्राइस की वजह से। बाकी 75 को अगर हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर लुक देख लो, रियर लुक ऐसा कुछ कंप्लीट आपको मिलेगा इसके अंदर ना। यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर भी अलॉय आएंगे लेकर आएंगे 17 इंचेस के, इसमें आपको यहाँ पर इसमें स्टील व्हील्स मिलेंगे व्हील कवर के साथ जो कि आप देख सकते हो। साइड का लुक ऐसा कुछ यहाँ पे है क्लासिक का और यहाँ पर ये एन का रूफ रेल्स आएंगी इसमें और इसमें भी है। हाइट जो है ना वो ना यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, स्कॉर्पियो क्लासिक की ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में स्कॉर्पियो एन के। और यहाँ पर सनरूफ नहीं है कोई भी इसके अंदर, यहाँ पे सनरूफ मिलेगी Z6 वेरिएंट से कंपेयर कर रहे हैं हम क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ना इसके आसपास का वेरिएंट लगता है। ओवरव्यू इसके ऊपर इंडिकेटर है इस पर, यहाँ ये नीचे की तरफ ही दिया जा रहा है। बाकी फ्रंट से आप लोग देख सकते हो दोनों ही गाड़ियों का बहुत ही ज़्यादा ना जबरदस्त लग रही है कार। फ्रंट से ना कहीं क्लासिक में थोड़ा सा कह सकते हो कि रोब इससे ज़्यादा लगता है, मतलब ये स्कूप जो दिया गया है काफ़ी ज़्यादा ना अच्छा सा ओवरऑल लगता है। बट वही बात आ जाती है बिल्ड क्वालिटी इसकी ज़्यादा अच्छी, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है इसमें, आपको यहाँ पे 0 स्टार मिली थी। 130 PS की पावर है, 174 PS की पावर है एंड 2.2 लीटर का दोनों के अंदर एमहॉक डीजल इंजन मिल जाता है। बाकी लुक्स वगैरह देख सकते हैं, मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई है, इन्होंने भी लाइट्स वगैरह आफ्टर मार्केट सब चेंज करवा रखी हैं। अंदर से एक बार आपको क्विक लुक दे देता हूँ दोनों गाड़ियों का, तो ये देख लो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्कॉर्पियो क्लासिक के इंटीरियर्स थोड़े बेसिक हैं एंड यहाँ की अगर बात करें तो ये उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। ऊपर आपको सनरूफ पीस में मिल जाती है। फट भी इसी कार का मेरे को पर्सनली ज़्यादा बढ़िया लगता है। इसके अंदर आपको यहाँ पे कैप्टन सीट्स मिल जाएंगे इस वेरिएंट के अंदर, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पर इसमें नहीं मिलेगा, ये आप देख सकते हो। इसमें ना बेंच सीट ही आएगी ये वाले वेरिएंट में। टॉप लोग इसका Z8L वो 26-27 का पड़ जाता है, उसके अंदर आपको कैप्टन सीट का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ से भी एक बार आपको खोल के दिखाता हूँ, बूट स्पेस तो यार दोनों गाड़ियों में ही नहीं है, ये पूरी बेंच सीट आपको मिलती है एंड इसके अंदर यहाँ पे भी आर्मरेस्ट आ रहा है थर्ड रो में। स्पेस इतना नहीं है बच्चों के लिए बट ओवरऑल ना फोल्ड करने के बाद आप अपना वैसे सामान इसमें रख सकते हैं। इसकी अगर यहाँ पर बात करते हैं तो बूट स्पेस तो इसका भी नहीं है, दोनों गाड़ियों में ना बूट स्पेस का इशू है ही है। इसमें भी आप वही सेम फोल्ड कर सकते हो अपनी सीट्स वगैरह को, और अभी अंदर सीट कवर वगैरह नहीं लगे, उसमें सीट कवर्स वगैरह लगे हैं। म्यूज़िक सिस्टम भी उसका मेरे हिसाब से अपग्रेड हो चुका है, अलॉयज हो चुके हैं, मैट हो चुके हैं, मतलब ये पूरी तैयार हो चुकी है, अभी तैयार होनी बाकी है। बाकी भाई फीचर्स के डिपार्टमेंट में तो आपको पता है आपकी कार बहुत पीछे है। हाँ, बहुत पीछे है मेरी कार। 75,000 महंगी है, 75,000 रुपीस एक्सपेंसिव है ये कार। सनरूफ है आपके पास? नहीं, सनरूफ नहीं है हमारे पास। इंजन पावर, इंजन पावर में पीछे है, सनरूफ नहीं है हमारे पास। कंफर्ट है आपकी कार में? इसके बराबर का, इसके बराबर का कंफर्ट नहीं है हमारी कार। बूट स्पेस है इसके जितना? हाँ, बूट स्पेस हमारी सीट फोल्ड होती है तो बूट स्पेस ही बूट स्पेस इसका ज्यादा है फिर भी। अच्छा, इसका ज्यादा है। हाँ, बिल्ड क्वालिटी है इसके जैसी, 5 स्टार आई है, उसके 0 आए थे पुराने वाली है। तो बताओ है कोई जवाब? नहीं, कुछ नहीं है। स्कॉर्पियो पर मुझे क्लासिक अपनी जो है ना रुतबा है बस एक गाड़ी का, अपना रुतबा। तो भाई आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी कार एज अ प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर है? मतलब वो ठीक है थोड़ी रोबदार में थोड़ी वो ज्यादा लगती है कहीं ना कहीं क्लासिक, बट अगर आप एज अ बायर डिसाइड करते हैं कि कौन सी ज्यादा बेहतर है, तो यार मैं, मेरे को पर्सनली इस चीज में एन बेटर लगी तो ही मैंने एन बाय की। बट क्लासिक भी कहीं ना कहीं कम नहीं है, वही सब सेफ्टी फीचर्स नहीं है, ये सब थोड़े इश्यूज हैं उसके अंदर जो कि मेरे को लगते हैं जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे तो मैंने ये ली। आपका मेन रीज़न क्या था? मेरा मेन रीज़न यही था, मुझे गाड़ी वो चाहिए जिसका रुतबा हो रोड पे। अच्छा, बस कहीं भी गाड़ी खड़ी करो। हाँ, वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए थी। बाकी भाई ने काफ़ी सारी ना मॉडिफिकेशन भी करा रखी है अपनी कार के ऊपर, तो ओनरशिप एक्सपीरियंस भी लिया है, तो उसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जरूर से भी चेक कर लेना। बाकी इतने था इस वीडियो के लिए, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।